लोहरदगा जिला आजसू पार्टी द्वारा जिले के पुराने नगर भवन में नगर सम्मेलन सह युवा सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो शामिल हुए। युवाओं द्वारा पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो का भव्य स्वागत किया गया, साथ ही बाइक रैली निकाल कर नगर भ्रमण कराया गया। लोहरदगा पहुंचे आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने संख मोड़ स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बिगुल फूंक दिया है। नगर सम्मेलन सह युवा सम्मेलन के माध्यम से आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर लोहरदगा सीट साधने को लेकर आजसू जोर आजमाइश कर रही है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा है कि पार्टी द्वारा राज्य भर में युवाओं का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, इसी को लेकर लोहरदगा में आज सम्मेलन है। युवाओं को संगठन का दायित्व सौंपना है। वहीं केशव महतो कमलेश को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर सुदेश महतो ने कहा कि जातीय समीकरण और ध्रुवीकरण राज्य के लिए अब बड़ी समस्या नहीं है, राज्य में और भी कई बड़ी समस्या है। लोगों को इस सरकार से मुक्ति चाहिए और लोग इसे समझ रहे हैं। आज हमारे पार्टी के युवा सम्मेलन है, नगर सम्मेलन है, चालू और पार्टी के चूँकि राज्य भर में युवा का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, आज हमारा लोहरदगा का कड़ी है और यहाँ के नए नौजवान साथियों को संगठन से उनको जोड़ना, उनको संगठन की गतिविधि में शामिल करना और राज्य और लोहरदगा का दायित्व देना। झारखंड में ये संयुक्त रूप से आएगा, हम जब मिल के अनाउंसमेंट करेंगे तो आएगा आपके सामने। दावत जयराम महतो के आने से कुर्मी वोट के लेकर लगातार प्रयास कर रही हर पार्टियां। इसी कड़ी में केशव महतो कमलेश को प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाया, कैसे देखते हैं? मैं अभी आपके इस आकलन पर मैं जागता भी नहीं हूँ। मैं केवल उस रूप से जातीय ध्रुवीकरण की बातों पर अभी चर्चा तक हम लोग नहीं करते। मैं राज्य में बहुत सारे विषय हैं जिस पर चिंता करने की जरूरत है। राज्य ये 5 साल के कुशासन से राज्य को मुक्ति चाहिए। यहाँ के लोग, हर लोग समझते, हर वर्ग के लोग समझते, हर समाज समझते। बदलाव की बात आ रही है, आप क्या मानते हैं? देखो, जो भी बातें नहीं, प्रशासन की चीजें हैं, अगर मेरे कोई आकलन और डाटा के साथ पीछे कर भैया, लेकिन अगर ये चिंता है तो शासन के लोगों को इसमें ध्यान देना चाहिए। तो आज पूरे देश में चिकित्सक हड़ताल पर है, जो वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई है उस पर क्या कहेंगे? कितने सुरक्षित हैं डॉक्टर्स और इलाज की महिलाएं? देखो, जो घटना है कोलकाता में हुई है, उसी घटना को लेकर पूरे देशवासी चिकित्सक लगातार कई दिन से अलग अलग आंदोलन कम कर रहे हैं। जो स्थिति आई है, जिस रूप से डॉक्टर्स के ऊपर हमला हुआ है, जिस रूप से कुकर्म किया गया है, उसी पे न्याय की मांग को लेकर, डॉक्टर अपनी सुरक्षा को लेकर ये बात और अपनी मांग को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। सर, जो इस तरह की घटनाएं हो रही है, क्या कठोर कानून बनाने की जरूरत है? तो निश्चित रूप से हर चीज़ पर अगर कठोर कानून बनाने की बात चल रही है, जैसे पेपर लीक पर पेपर लीक हुआ, उसके ऊपर भी इसी तरह के हर अलग अलग राज्यों ने अपने अपने कानून बनाए, तो ओवरऑल इसके ऊपर भी एकदम कानून बनना चाहिए, सख्त बनना चाहिए, जल्दी से न्याय मिलना चाहिए। सर, इस बार कितनी मजबूती के साथ बीजेपी आपके लाइन चुनाव लड़ेगी? देखो, प्रदेश भर में जो स्थिति है, 5 साल की पूरी अराजकता के खिलाफ में पब्लिक एकजुट हो रही है और हमारा काम और दायित्व भी बनता है राजनीतिक दल के रूप में। राज्य का जो जिम्मेदारी है, राज्य के प्रति जो हमारी एक दलीय जो भागीदारी है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों की भावनाओं के साथ हम लोग आगे जाएंगे और सभी की भावनाओं के अनुरूप हम लोग लेंगे। सर, झारखंड में जैसे ही लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव, नौकरी का जो पिटारा खोला जा रहा है सीएम के द्वारा और मैया सम्मान योजना भी लाया गया, ये सरकार नौकरी पर तो बात नहीं कर सकती है, क्योंकि ये सरकार का कमिटमेंट जो था वो सरकार फेल हो चुकी है, असफल हो चुकी है। युवाओं के साथ एक बड़ा धोखा हुआ है। राज्य में रोजगार सृजन के नाम पर, नौकरी देने के नाम पर बनने वाली सरकार, जहाँ 5 साल नौकरी वर्ष में देने की बात की थी, आज पूरा 5 साल हमारा बीतने वाला है। 5 साल बीतने के बाद भी ये आंकड़ा 50,000 भी नहीं पार किया है। तो जो मैया सम्मान योजना था।